आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं सीए कशिश गुप्ता जी पक्ष लीगल से। और कशिश गुप्ता जी को इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सर पूरी लिटिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने सर को बुलाया है कुछ ऐसे सवालों के जवाब के लिए जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता सर, ठीक है। तो जैसे कि ना अभी रूल्स आए सर, इन रूल्स में ना काफ़ी चीज़ें थी लेकिन कुछ रूल्स तो मुझे समझ आ गए, कुछ नहीं आए। तो एक रूल हमारा इसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ है अपील को लेकर। जैसे कि हम जीएसटी में कोई ऑर्डर आ जाता है फिर उसकी हम अपील फाइल करते हैं और फिर वहाँ पर फिजिकल कॉपी जमा कराते हैं, उसको लेकर क्या चेंजेज आए हैं एक बार हमारे दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में बताएं सर। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस चैनल पर वापस बुलाने का। और जो चेंजेस हैं अपील को लेके, अभी होता क्या था कि जीएसटी पोर्टल पर जब भी कोई डिमांड ऑर्डर आता है तो वो एक फॉर्म है DRC 07, राइट, दैट इज़ ए समरी ऑफ द ऑर्डर, राइट। तो काफ़ी केसेस में हमने ये देखा कि सिर्फ DRC 07 अपलोडेड है, राइट। और जब अपील फाइल होती थी ऑनलाइन ही, हाँ, और विद इन 7 डेज उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी फाइल होनी थी। ये लॉ में लिखा है कि जिस दिन आप अपील फाइल कर देंगे, अगर आपने उसके विद इन 7 डेज एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील ऑफिस में सबमिट कर दी तो अपील आपकी उस दिन फाइल मानी जाएगी जिस दिन वो ऑनलाइन सबमिट हुई है, राइट। अगर वो 7 दिन के बाद सबमिट होता है तो अपील उस दिन फाइल मानी जाएगी जिस दिन वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर मैनुअली सबमिट हुई है, राइट। तो ऐसा काफ़ी केसेस में होता क्या था कि हम डिपार्टमेंट में गए कि आपने ऑर्डर इशू किया उसका सर्टिफाइड कॉपी हमें दे दीजिए, वो कहते थे कि ऑनलाइन जो DRC 07 आया है वो हमारा डिजिटली साइंड है तो आपको उसके अलावा और कौन सा सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, राइट। तो हमें वो मिलता नहीं था। तो इन द प्रोसेस होता क्या था कि 7 डेज तक हम सर्टिफाइड कॉपी सबमिट नहीं कर पाते थे और पता लगे बाद में जो अपील से ऑर्डर आया उसमें लिखते थे कि विद इन 7 डेज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर सबमिट नहीं हुई है तो ये अपील फाइल मानी नहीं गई है। अपील फाइल नहीं मानी गई तो 3 मंथ्स का पीरियड लैप्स हो गया एंड हेंस अपील इज डिसमिस्ड, राइट। तो ऐसे इश्यूज आ रहे थे। किसी केस में अपील ऑफिस से आपको एक लेटर आता था कि सर्टिफाइड कॉपी सबमिट नहीं हुई है इसे आप सबमिट करें, तो इसमें हम काफ़ी क्लाइंट्स को सेव करने के लिए हम क्या टैक्टिक्स फॉलो करते थे, हम कहते थे कि लॉ में स्पीकिंग ऑर्डर का भी प्रोविजन है, राइट। DRC 07 तो एक समरी ऑफ द ऑर्डर है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड समरी ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो जब भी ऑफिसर को एक ऑर्डर देना है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा और उसकी समरी DRC 07 में होगी, ठीक है, ताकि जो उसका डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी सबमिट हो डिपार्टमेंट में, और जो समरी ऑफ द ऑर्डर है वो तो ऑनलाइन है ही है, बिल्कुल ठीक। तो इश्यूज में भी आते थे कि किसी केस में समरी डिटेल्ड ऑर्डर अगर नहीं है तो उस केस में हम इसी तरह से लेटर बनाते थे कि इस केस में सर्टिफाइड कॉपी देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर तो इसमें आया ही नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है इस केस में, ठीक है, ताकि हमारा क्लाइंट सेव्ड रहे। और वो बात अब इस अमेंडमेंट को देख के सही भी है जी। तो जिस केस में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिल जाती थी वहां हम सबमिट करते थे, राइट। तो अब अमेंडमेंट ये आया है कि अगर तो वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर अगर उसने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है तो है। फिर आपको विद इन 7 डेज सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन फाइल कर दो और घर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और गवर्नमेंट ने इस इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी को प्रमोट किया कि अगर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑनलाइन ही अपलोड हो गया तो फिर उसकी हार्ड कॉपी की जरूरत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर से आप क्या कह रहे हैं, जो DRC 07 है या डिटेल ऑर्डर है? डिटेल्ड ऑर्डर। उन्होंने कहा कि अगर DRC 07 तो ऑनलाइन एक फंक्शनैलिटी को एक्टिवेट करता है, ठीक है, अगर DRC 07 आएगा तो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में डिमांड पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, और अपील को फाइल करने की फंक्शनैलिटी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक। तो ये एक समरी ऑफ द ऑर्डर है, ठीक है। जब भी DRC 07 ऑफिसर इश्यू करेगा तो उसके साथ एक ऑप्शन होता है अटैचमेंट का, ठीक है, तो उस अटैचमेंट में वो अपना डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर अपलोड कर दे, ठीक है, जिसमें लिखे फैक्ट्स क्या है, लॉ क्या है, कॉन्ट्रावेंशन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और डिमांड क्या है, ठीक, ताकि आपको पता चल गया आपके अगेंस्ट एलिगेशन है क्या, राइट राइट। तो अगर उसने वो वहीं अपलोड कर दिया तो फिर किसी हार्ड कॉपी की सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। अगर उसने वो ऑर्डर की कॉपी सबमिट नहीं की है तो फिर मुझे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, अब सर्टिफाइड को का भी मीनिंग उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, पहले यही फाइट होती थी, ऑफिसर किसी केस में रिलक्टेंट होते थे कि हम सेल्फ सर्टिफाई, हम इसे सर्टिफाई करके नहीं देंगे, हमने जो देना था वो ऑनलाइन दे दिया, ठीक है।
अब उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन कॉपी ऑफ ऑर्डर नहीं आई है तो आप उसे सेल्फ सर्टिफाई करके डिपार्टमेंट में विद इन 7 डेज सबमिट कर दें। ओके। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये है कि अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि DRC 07 ही सिर्फ इश्यू नहीं करना है, उसके साथ एक स्पीकिंग ऑर्डर भी होना चाहिए। राइट। तो अगर DRC 07 इश्यू हो गया और उसके साथ एक स्पीकिंग ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन ही अपलोडेड है, देन वेल एंड गुड, आप 3 मंथ्स में अपील फाइल करें। ठीक है। अगर स्पीकिंग ऑर्डर की कॉपी साथ में अपलोडेड नहीं है तो वो पहले आपके पास सर्व होगी मैनुअली। ओके। तो उस मैनुअल कॉपी को उसकी एक फोटोकॉपी करें, उसको सेल्फ सर्टिफाई करें और उसको विद इन 7 डेज डिपार्टमेंट में सबमिट करें। ठीक है। इसमें हमारा एक ये इंटरप्रिटेशन है कि अगर किसी केस में, ये हमने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, दिस इज द एग्जिस्टिंग लॉ, दिस इज द अमेंडेड लॉ, और इसमें अब इन्होंने लिखा है कि वेयर द डिसीजन ऑन ऑर्डर अपील अगेंस्ट इज अपलोडेड, तो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर इट इज नॉट अपलोडेड देन यू हैव टू सबमिट विद इन 7 डेज। ओके। ओके जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने हाइलाइट्स किए हैं, यही इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट जो है कि अगर जो अभी हमने आपको आपके साथ डिस्कस भी किया कि मीनिंग ऑफ द टर्म सर्टिफाइड ऑर्डर क्लियर हो गया है, सेल्फ सर्टिफाइड है इसका मीनिंग। सेल्फ सर्टिफाइड मतलब कि असेसी खुद ही कर दिया, असेसी खुद ही कर दिया उसका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो भी है। जी जी। अब इसमें एक ये इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट है कि अगर आपको कॉपी अपलोड भी नहीं हुई है और सर्व भी नहीं हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका DRC 07 आ गया है 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, और जो मैनुअल कॉपी है वो आई ही नहीं, ठीक है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ DRC 07 इश्यू हुआ है, स्पीकिंग ऑर्डर इसके साथ अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अपील फाइल हमें विद इन 3 मंथ्स 1 अप्रैल 2023 तक करनी है या इसके बाद भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि अपील मैं सर्व करूँ, फाइल करूंगा इसको चैलेंज करते हुए, ठीक है, जब तक स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होगा मुझे पता ही नहीं है कि मेरे कॉन्ट्रावेंशंस हैं क्या। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये मैनुअल कॉपी फॉर एग्जांपल आपको 28 फरवरी 2023 को मिलता है, ठीक है, तो मेरा टाइम वहाँ से शुरू होगा, मेरा टाइम वहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो ये जाएगा 28 मई 2023 तक का। ओके। अपील को फाइल करने का टाइम, राइट राइट। पोर्टल आपको एरर दिखाएगा, वो कहेगा कि 3 मंथ्स हैज इलैप्स्ड, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैनुअल कॉपी कब सबमिट हुई, ठीक है, हाँ, वो दिखाता है, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हाँ वो एक वार्निंग देके एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक लेटर लिखे डिपार्टमेंट को कि हम एक स्पीकिंग ऑर्डर की कॉपी सबमिट करें, एक ईमेल लिखे अगर लेटर सबमिट करना वायबल नहीं है, ठीक है, और इस केस में ये लोग ऐसे चलेगा, ये ऐसे केसेस में हम काफी केसेस में ऐसा कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं नट सेल में बात करूं तो सर कुछ ऐसा हुआ है कि पहली बात ना, दो चीज समझ लो, जब भी आपको अपील करनी है दो चीज आपके पास होनी चाहिए, एक DRC 07, ठीक है ना, एक दूसरा स्पीकिंग ऑर्डर। अगर ये दोनों चीजें पोर्टल पर अपलोड है तो आप पोर्टल से ही अपील फाइल करें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको हेयरिंग की डेट आएगी, आप हेयरिंग की डेट पर चले जाना। दूसरा केस क्या है कि DRC 07 पोर्टल पर है और आपका जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो आपको कोरियर के थ्रू आया है या कैसे भी आपके पास आया है, उस वाले केस में अपील आप सबमिट करें ऑनलाइन, ठीक है, और वो जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसकी फोटोकॉपी करके सेल्फ सर्टिफाई करके डिपार्टमेंट में सबमिट करें विद इन 7 डेज। तीसरा केस क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ DRC 07 आया है लेकिन आपको स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आया, उस वाले केस में आप अपील फाइल करना चाहे ऑनलाइन फाइल कर दें अपील और वहां पर चैलेंज कर दे कि मुझे स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आया है, तो मेरा जो 3 महीने का टाइम होगा वो वहां से शुरू होगा जहां से मेरे को स्पीकिंग ऑर्डर आएगा। ये नट सेल में ये चीज इन्होंने बोली है। तो सर इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे हम इसमें? इसमें एक ये है कि अगर ये बेनिफिट प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है। जी, वैसे तो ये बड़ा सेटल्ड लॉ है कि जो भी बेनिफिशियल प्रोविजन है वो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव होती है। जी, तो मूविंग फॉरवर्ड अगर कोई अपील डिसमिस हो चुकी है ऑलरेडी तो उस पर तो ये लगेगा नहीं, राइट, तो जितनी भी अपील्स पेंडिंग है उस पर ये बेनिफिट लगेगा, ठीक है, और जितनी अपील्स डिसमिस हो चुकी है उसमें ओनली रेमेडी ये है कि आप नेक्स्ट अपील लेवल पर जाएं और ये प्रेयर करें कि इस अपील को रिस्टोर कर दिया जाए ओरिजिनल अथॉरिटी पे, क्योंकि लो अमेंड हो चुका है और अब हमारा कोई ग्रीवेंस है नहीं है। ठीक, तो मतलब अगर इस वजह से आपका, इस वजह से कि आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट हो गई थी इस कारण से कि आपने डिले सबमिट करी थी और डिले सबमिट इस वजह से हुई थी सर्टिफाइड कॉपी की वजह से, तो आपको एक रिलीफ मिलने के चांसेस यहां पर होंगे। yes. सर इसमें और कुछ एडिशन करना चाहेंगे? एक और है कि आपको अब एक नया ऑप्शन मिला है विड्रॉ करने का। जी जी, जैसे रिफंड एप्लीकेशन में आया था रिफंड एप्लीकेशन आप विड्रॉ करके रिसबमिट कर सकते हैं। हाँ।
वैसे ही अपील में आया कि अपील आप विड्रॉ करके रीसबमिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिफंड एप्लीकेशन के विड्रॉल में और अपील के विड्रॉल में जमीन आसमान का फर्क है जी। कैसे है कि अगर अपील विड्रॉ होती है तो इन्होंने उसे लिंक किया है डेट ऑफ इश्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट से, राइट। अगर एक्नॉलेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है APL 02 में, ठीक है, अगर APL 02 आने से पहले अपील आपने विड्रॉ कर ली तो आप विड्रॉ करके रीफाइल कर सकते हैं, लेकिन वो रीफाइल भी 3 मंथ्स के टाइम में ही होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि वो कभी भी हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट आने के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो फिर अपीलेट अथॉरिटी उसको जुडिशियली एनालाइज करेगी कि ये विड्रॉल वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। वो रिस्पोंडेंट को भी पूछेगी ऑपोजिट पार्टी को कि क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उसको भी लगता है कि विड्रॉ करना सही है तो वो विड्रॉल को अलाउ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैंने विड्रॉ गलत कर लिया है, मुझे अपील को फिर कंटेस्ट करना है, तो आपको अगर दोबारा अपील फाइल करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन वो विद इन 3 मंथ्स ही करेंगे, बिल्कुल। तो जो ये प्रोविजन GST लॉ में बोर्ड ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है कि आप अपील रीफाइल कर सकते हैं, बहुत ही वेलकम प्रोविजन है। इससे मैं वेलकम प्रोविजन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर अपील एक बार आपने विड्रॉ कर ली तो योर ऑल स्टैट्यूटरी रेमेडीज आर एग्जॉस्टेड, आपको कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा अपील को रिस्टोर करने का, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपील विड्रॉ कर ली और कल को आपको लगे कि नहीं मैंने गलत विड्रॉ की है, मुझे दोबारा मैटर कंटेस्ट करना है, तो आपके पास ओनली रेमेडी है कि आप नेक्स्ट अपीलेट फोरम पे जाएं, वहां पे प्रेयर करें कि मेरी अपील जो है वो ओरिजिनल नंबर पे दोबारा से रिस्टोर कर दी जाए, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे जी, कि अगर एप्लीकेशन आपने विड्रॉ कर दी तो ओनली रेमेडी इज दैट कि आप नेक्स्ट अपीलेट फोरम को अप्रोच करें और इस अपील को प्रेयर करें कि इसको ओरिजिनल अथॉरिटीज की फाइल में ओरिजिनल नंबर पे जो अपील नंबर इश्यू होता है उस पर रिस्टोर कर दी जाए, ठीक है। लेकिन ये इतनी आसान प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर अलाउ नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, ठीक है। आपने जब विड्रॉ किया, खुद ने विड्रॉ किया, सामने वाले ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अपील वाले ने अलाउ कर दिया, तो अब आपको दोबारा से उस ऑर्डर को चैलेंज करने का राइट गवर्नमेंट अपील नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज आसानी से नहीं देती है, बिल्कुल ठीक। ये उसी केस में मिलता है अगर आप फैक्ट्स पे ये एस्टेब्लिश कर सकें कि मुझे तो परसुएड कर दिया गया कि अपील विड्रॉ कर ले तू, या मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर अपील विड्रॉ करवा दी गई। कभी कभी होता है फैक्ट्स में कि अपील अथॉरिटी वाले बोलते हैं कि हम आपको रेक्टिफाई कर देंगे आपका ऑर्डर, आप अपील को विड्रॉ कर लें, सही बात है। कई तरह के फैक्ट्स होते हैं, आई कैन नॉट नरेट, लेकिन अगर कुछ है तो ओनली इन दैट केस एक कॉज ऑफ एक्शन बन पाता है कि हम अपील को विड्रॉ करने की करवा पाए बात, ठीक है। और सेकंड, अब इस अमेंडमेंट से एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या आएगा, अभी हमने देखा कि अभी हमने एक एक साल पहले भी अपील्स फाइल करी थी उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जा रही है APL 02 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब विड्रॉल का लॉ लिंक्ड है एक्नॉलेजमेंट की डेट से, तो एक्नॉलेजमेंट अथॉरिटीज विद इन 3 मंथ्स और एट द अर्लीस्ट ही देंगी, तो एक ये यूनिफॉर्मिटी आएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अपील चेंजेस जो भी अभी आए हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि आप अपनी जो अपील है उसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करने के बाद आप जब आप रीफाइल करेंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, तो विड्रॉ करने से पहले इस चीज़ को सोच ले। मेरे हिसाब से जो विड्रॉल कई बार लोग करते होंगे इस वजह से करते होंगे कि मान लो या तो उन्होंने गलत अपील फाइल कर दी, एक कई बार उन्हें लगता होगा कि यार फाइल करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है, कोई रिलीफ आगे मिलने वाला है नहीं, क्यों ना हम डिस्प्यूट को खत्म करें, टैक्स वैक्स जमा करें, काम खत्म करें। तो ये सारा एनालिसिस आपको क्लियर होगा। वैसे कशिश सर, हम आपको पता है हमारी ना जो जनवरी मंथ का एडिशन है वो तैयार हो चुका है, और इसमें हमने सारा डिटेल एनालिसिस कर दिया है इसका, फिर भी मैं आपको इसकी एक कॉपी भेजूंगा, ठीक है, पब्लिश होने से पहले आप चेक करके बताना उसमें कुछ रहा तो नहीं, और आप सुन ले कि भाई मैगजीन पर जो डिस्काउंट है वो खत्म होने वाला है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैगजीन पर डिस्काउंट जरूर ले ले। और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें इतना प्यार दिया सर, 1,75,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं यूट्यूब पे, और मैं कशिश गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन दे पाते जो मैं भी नहीं दे पाता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। Thank you for watching.